गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, काफ़ी ज़्यादा वायरल में है। सो जो प्रोडक्ट है वो है डॉक्टर एलिस का विटामिन सी सीरम 15% वाला। एंड ये जो 15% सीरम है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, बहुत लोगों को इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है आपको इसको लेनी चाहिए या नहीं, ये वर्थ है या नहीं, ये कैसे यूज़ करना है, कब तक रिजल्ट मिलेगा, इसके रिजल्ट्स है भी या नहीं, कहाँ से इसको बाई करना है, कहाँ से इसको परचेज करना है, एंड ये कौन से स्किन टाइप वालों के लिए है, कौन से लोगों को सूटेबल है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। अगर आप मेरे चैनल नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, रिक्वेस्ट है। आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है। उसके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस जरूर करना। मेरी हर एक नई वीडियोज़ के लिए मैं अलग अलग कंटेंट शेयर करती हूँ अपने चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस बिफोर लीविंग। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ये आपको Amazon से बाई करना है। इसका परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दिया, आपको जाके वहीं से बाई करना है। आपको 15-20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा मेरे लिंक के थ्रू, तो आपको वहीं से बाई करना है एंड वहीं पे आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट रिसीव होता है, तो आपको बाई करना है वहीं से। ये जो प्रोडक्ट है ये फॉर ऑल द स्किन टाइप के लिए, ये सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एंड बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए सूटेबल है, तो सभी लोगों के लिए ये जो प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट चार मिलाया गया है, चार चीज़ों से ये जो प्रोडक्ट है ये बना है। तो सबसे पहले इसमें मिलाया गया विटामिन सी जो 15% में है, उसके बाद इसमें विटामिन ई मिलाया गया, उसके बाद इसमें अल्फा आर्बुटिन मिलाया गया एंड देन इसमें फ्यूरिक एसिड मिलाया गया। तो विटामिन सी एंड विटामिन ई का क्या काम है, ये कैसे काम करता है? तो विटामिन सी आपको पता होगा स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, स्किन पे टैनिंग हो गया तो उस पर बहुत अच्छे से काम करता है, स्किन को इवन आउट करने के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है, स्किन पे पिंपल्स एक्नी को ट्रीट करने के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है। विटामिन ई स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को इवन आउट करता है, स्किन को क्लियर बनाता है, अगर आपके दाग धब्बे हैं तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर आउट करेगा एंड ये जो है ग्लोइंग स्किन के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है विटामिन ई, ठीक है, स्किन पे ग्लोइंग के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट, इसमें अल्फा आर्ब्यूटिन मिलाया गया, तो उसका क्या काम है? तो वो काम करता है आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में, मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है, आपके जो भी तरह के दाग धब्बे होते हैं चाहे वो पिंपल्स के बाद दाग धब्बा हो गया हो तो उसको बहुत अच्छे से कम करता है, हाइपर पिगमेंटेशन भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो बेसिकली ये जो है ये दाग धब्बों के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है। फ्यूरिक एसिड का क्या काम है? तो वो काम करता है आपके रिंकल्स में, फाइन लाइन्स में, एजिंग में, ये सारी चीज़ों में, मतलब जितने भी एजिंग वाली चीज़ें होती है, फाइन लाइन्स होती है, उसको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है। तो बेसिकली ये ऑल इन वन सीरम है एंड ये सारे ही चीज़ों में काफ़ी अच्छे से काम करता है, जैसे कि ये ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है, स्किन को लाइटन अप भी कर रहा है, स्किन को क्लियर आउट भी कर रहा है, स्किन को इवन आउट भी कर रहा है, पिगमेंटेशन को हटा रहा है, दाग धब्बों को हटा रहा है, फाइन लाइन्स को हटा रहा है, रिंकल्स को हटा रहा है, एजिंग को कंट्रोल कर रहा है, तो ये सारे ही चीज़ें कर रहा है। तो ये ऑल इन वन सीरम मैं बोल सकती हूँ, आपको हर एक गुण इसमें मिलेगा एंड इसमें जो भी चीज़ें मिलाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ इस साइड में, उसकी कोई भी तरह के आपको साइड इफेक्ट्स नहीं है। आई थिंक सीरम्स में विटामिन सी एंड विटामिन ई कॉमन है, सभी सीरम्स में आपको मिलती है, बट अल्फा आर्ब्यूटिन एंड जो फ्यूरिक एसिड है उस वो बहुत कम मिलता है। तो ये जो प्रोडक्ट है गाइस, तो ये जो सीरम है इसको कैसे अब यूज़ करना है वो मैं आपको बता दूँ। तो ये जो सीरम है ये उन लोगों के लिए नहीं है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये वो लोगों के लिए भी है जिनके स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वो स्किन पे ग्लोइंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्किन को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, वो लोगों के लिए भी ये काम बहुत अच्छे से करेगा। तो गाइस यूज़ कैसे करना है, आपको इसको दो बार यूज़ करना है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में। आपको इसका 3-4 ड्रॉप लेना है एंड ले करके अपने स्किन पे इवेनली अप्लाई करना है एंड थोड़ा सा मसाज करना है 5-10 मिनट के लिए, जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। बहुत फास्ट एब्जॉर्बिंग है एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा यूज़ करने के बाद। तो गाइस आपको इसको लगाते ही अच्छे से एब्जॉर्ब होने देना है, उसके बाद आप इसको ऑल डे छोड़ सकते हो एंड अगर नाइट में लगा रहे तो ऑल नाइट छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है एंड यूज़ करने का तरीका बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल है।
इसको जो है आपको वीकली नहीं यूज़ करना है, इसको आपको डेली यूज़ करना है स्किन को मेंटेन करने के लिए। अगर आपको ये सारी इश्यूज है तो उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा गाइस। इसका जो रिजल्ट्स है वो आपको एक वीक के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बट आपको पूरे रिजल्ट्स के लिए एटलीस्ट इसको पूरा ख़त्म करना है, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये ऑल्सो टैनिंग में भी बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी का इस्तेमाल किया गया है जो कि इस टैनिंग के लिए दी बेस्ट काम करता है। तो ये सारी चीज़ों में बहुत ही अच्छे से काम करेगा। सभी को मैं रिकमेंड करूँगी, ये सभी लोग ट्राई करो, सभी लोग यूज़ करो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छे से काम करता है एंड कोई भी तरह का नुकसान नहीं है, काफ़ी अच्छे से ये जो है ये आपकी स्किन पर काम करेगा। सो यही है इसके बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसका परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दिया, आपको चेकआउट करना है एंड जाके वहीं से बाय करना है, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। सो यही आज का वीडियो, यही था इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। रिक्वेस्ट है आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है, उसके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस जरूर करना। मेरे हर एक नई वीडियो के लिए मैं अलग अलग कंटेंट शेयर करती हूँ अपने चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस बिफोर लिविंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें मेरे चैनल को, एंड लाइक करना, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। शेयरिंग मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन।